आप सभी स्वागत बात करेंगे यहाँ पर सिप्ला के बारे में। दोस्तों, स्टॉक में शेयर होल्डर को लॉटरी लगने वाली है और बढ़िया तरीके से यहाँ पर स्टॉक आपको तेजी भी दिखाने वाला है। ऐसा क्या खास होगा दोस्तों सिप्ला में, मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा और इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस आगे कैसा रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी में सिप्ला का नाम आता है दोस्तों, और अभी ये कंपनी वैसा ही परफॉर्म भी मार्केट में कर दिखाएगी। अब इस कंपनी में खास क्या हो रहा है मैं आपको वो भी डिटेल बताऊंगा, और लेटेस्ट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों उसको भी समझना पड़ेगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर ने दोस्तों, खुद प्रमोटर ने भी बढ़िया तरीके से इस कंपनी में खरीदारी की है। इसका मतलब है सीधा सीधा सिप्ला इंडस्ट्री में धमाके दोस्तों। अब जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ उसको अंडरस्टैंडिंग करना स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा। इस फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपको COVID-19 के टाइम पीरियड में अच्छा खासा प्रॉफिट इस कंपनी से मिलेगा दोस्तों। चलिए देख लेते ब्रेकिंग न्यूज़ भी क्या है और कंपनी में भी क्या खास चीज़ हो रही है। उससे पहले यहाँ पर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। स्टॉक मार्केट के अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। पहले बात करेंगे दोस्तों आज के इतने ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस के बारे में। 3 से 4% के करीब की तेज़ी हमें आज मार्केट में कंटिन्यू सिप्ला इंडस्ट्री करते हुए देखने को मिली दोस्तों। इसमें एक खास जो ब्रेकिंग न्यूज है उसका ही असर दोस्तों आज देखने को मिला। स्टॉक 21 रुपये से आज तेज़ी दिखा दिया पर शेयर पर। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे प्रमोटर की होल्डिंग FIS म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन DIS इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो चेंजेस हुए दोस्तों उसके बारे में बढ़िया बात बताना चाहूँगा। सबसे नंबर वन बात मुझे पसंद आती है दोस्तों, जिस कंपनी के प्रमोटर स्टेक बढ़ाते हैं ना उस कंपनी के पीछे हमने नज़र रखनी ही चाहिए और उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि मुझे बताना कंपनी में अच्छी बात हो तभी यहाँ पर पैसे लगाते इन्वेस्टर, नहीं तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा खुद प्रमोटर भी दोस्तों स्टेक बेचकर निकल सकते हैं। इस बात को याद रखिए, कंपनी में अच्छा होने वाला है ये पता है और कंपनी रिटर्न भी देने वाली है ये कंपनी के प्रमोटर को पता है, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है दोस्तों। इस बात को आप आज ही समझ लेना, स्टॉक मार्केट के जर्नी में आप जितने टाइम तक रहेंगे ना इस बात को हर वक्त याद रखना, आपको ऐसी बातें कोई बताएगा नहीं दोस्तों। इस बात को यहाँ पर नोट डाउन करना कि जब जब प्रमोटर स्टेक बढ़ाते तब तक वो स्टॉक में आपको बढ़िया तरीके से कुछ दिनों में या महीनों में प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और स्टॉक बढ़िया परफॉर्म भी करेगा। इसमें अभी बताना चाहूँगा, देखिए FIS के पास पैसे ज़्यादा नहीं हुए दोस्तों, उन्हें पता है कि इस कंपनी में ग्रोथ है अच्छी और इसकी जो मेडिसिन है फिलहाल बहुत ही डिमांडेड है। कंपनी फार्मास्यूटिकल बिजनेस में बहुत बड़ी तेज़ी दिखा रही है दोस्तों। कंपनी के प्रमोटर, फॉरेन निवेशक, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, देखिए साथ साथ DIS देखिए दोस्तों लगातार स्टेक बढ़ा रहे। ऑलरेडी यहाँ पर FIS के पास 23% का स्टेक, म्यूचुअल फंड दोस्तों 14%, और देखिए यहाँ पर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 2%, DIS के पास 0.46% का स्टेक देखने को मिलता है। बोले तो बढ़िया बात है दोस्तों, सिप्ला में दम है इसी वजह से इतना बड़ा स्टेक हमें देखने को मिलता है। अभी कंपनी की क्वालिटी थोड़ी बताना चाहूँगा, उसके बाद हम न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं और न्यूज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखिए कंपनी पर कर्जा कितना है, मात्र यहाँ पर 6 करोड़ का। कंपनी का मार्केट कैप कितना है दोस्तों आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, सॉरी मार्केट कैप देख लेते पहले, 74,568 करोड़ का। और दोस्तों एक एडवांटेज वाली बात देख लेना, कंपनी के पास पैसा कितना, देखिए 523 करोड़ का कैश अभी पड़ा है, 523 करोड़ का, और कर्जा देखिए कितना है 6 करोड़ का। बोले तो कंपनी प्रॉफिट में और पैसे वाली कितनी इसको समझिए और आपको अंदाज़ा भी आ जाएगा। फार्मास्यूटिकल के जो भी प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों वो लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट होते हैं और हर किसी की ज़िंदगी से यहाँ पर अच्छी तरीके से रन होती है फार्मास्यूटिकल बिजनेस से। तो इनकी यहाँ पर जैसे ही डिमांड रहती है दोस्तों तो कितने भी पैसे कैसे भी लाकर यहाँ पर कस्टमर लेने के लिए तैयार रहते हैं मेडिसिन, इसलिए आप समझिए नीड की जो यहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें दोस्तों ये फार्मास्यूटिकल में आती है, इसलिए इनके बिजनेस कंटिन्यू चलते ही रहेंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे दोस्तों इसके कैश फ्लो के बारे में, कंपनी का कैश फ्लो बेटर है और ये जो ब्रेकिंग न्यूज है उसके बारे में आपको अभी बताना चाहूँगा। देख लीजिए सिप्ला के स्टॉक में दोस्तों आज जो तेज़ी देखने को मिली है उसके पीछे बात है दोस्तों पॉलीमेर चेन रिएक्शन टेस्ट की जो किट है इन्होंने आज लॉन्च कर दी है। अब यहाँ पर गिरा जेन ऐसा बोल सकते हैं इसको, इसका नाम देख सकते हैं VIRAGEN ऐसा इसका नाम है दोस्तों, आप ज़रूर देख लेना। अब यहाँ पर ये नाम से ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंस रहेगा कि इस कंपनी को फ़ायदा क्या है उसके बारे में। आप देख लीजिए कंपनी की जो किट है दोस्तों क्या करेगी, PCR टेस्ट, COVID-19 का जो PCR टेस्ट है दोस्तों उसके बारे में ये काम करने वाली है और इसका फ़ायदा ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों सिप्ला इंडस्ट्री को मिलेगा। पॉलीमेर चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म है CPR का टेस्ट का, और ज़रूर दोस्तों देख लेना इसका फ़ायदा बढ़िया तरीके से सिप्ला इंडस्ट्री उठाएगी मार्केट से
और कमाई भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी फायदेमंद है और फायदा करके भी दिखाएगी। इसके टारगेट की बात करें 660 का स्टॉक, यहाँ पर शॉर्ट टर्म का मैं टारगेट बताना चाहूँगा और लॉन्ग टर्म में भी मुझे लगता है कि 1000 तो इसने दिखाना ही चाहिए। पिछली बार भी दिखाया था दोस्तों, जैसे इसके जो मेडिसिन की डिमांड बढ़ रही थी मार्केट में, वैसे वैसे स्टॉक आपको अभी ग्रोथ भी आगे दिखाएगा। और आई होप दोस्तों, मुझे लगता है 1100 से 1500 के नज़दीक भी जाना चाहिए, अच्छा खासा इसके अंदर बुलिश ट्रेंड देखने को मिला। तो अब यहाँ पर हम इसके जो एनुअल बेसिस पर रिजल्ट को चेक करें दोस्तों, अभी फिलहाल और पिछले के जो रिजल्ट है सभी को कंपेयर करें तो यहाँ पर सेल्स 11% से और नेट प्रॉफिट 55% से बढ़ा है। और शानदार बात देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर इसके कंटिन्यू एक साल की जो ग्रोथ देखेंगे 50% का रिटर्न आपको कमा दिया है कंटिन्यू। और मुझे लगता है दोस्तों अभी यहाँ से अच्छा खासा आपको रिटर्न आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने भरोसे के साथ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों कंपनी के अंदर की इन्फॉर्मेशन प्रमोटर को पता है, इसलिए उन्होंने बढ़िया तरीके से स्टेक बढ़ाया है। तो इस पर आप ज़रूर नज़र रखिए, आप बाद में नहीं कहना चाहिए दोस्तों कि हमें मौका नहीं मिला। अच्छा खासा फार्मास्यूटिकल कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा पोजिशनल के लिए दोस्तों स्टॉक पर नज़र रख सकते हैं बढ़िया तरीके से। मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है लॉन्ग टर्म में इसका देख लीजिए ये अप्स एंड डाउन से देखने को मिलते हैं, इस वजह से खाली पोजिशन यहाँ पर फायदे में रहेगी आपके लिए। थैंक यू सो मच, आई होप मुझे लगता है आप डिसीजन ले सकते हैं, आपकी मर्जी रहेगी, मेरा काम है आपको डिटेल बताना। थैंक यू दोस्तों आपका कीमती देकर सभी फंड सुनने के लिए। थैंक यू।